हाल में उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में सिरमौर जिला के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिला के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ओपन नेशनल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में पहली मर्तबा हिमाचल की टीम ने हिस्सा लिया था। टीम में सिरमौर जिला से कुल 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मीडिया जिला की ताइक्वांडो कोच नोरी नारू ने कहा कि बताया कि सिरमौर से 7 खिलाड़ी की एक टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और सभी खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हिमाचल से इस प्रतियोगिता में टीम ने पहली मर्तबा हिस्सा लिया और बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्सट ओपन नेशनल टूर्नामेंट प्रतियोगिता से गोल्ड मेडल जीतकर पहुंची ताइक्वांडो खिलाड़ी रिया ने बताया कि उन्होंने प्रतियोगिता में पहली मर्तबा हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कोच नोरी नारू को दिया। उन्होंने कहा कि अब उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और हम टूर्नामेंट्स के लिए गए थे, ओपन नेशनल टूर्नामेंट्स थे ऋषिकेश में, जहाँ पर मेरे 7 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से 7 के मेडल पड़े हैं और 2 की 5th पोजीशन आई है। इन्होंने 2 बाउट्स खेल ली थी, उसके बाद इन्हें इंजरी हो गई थी तो ये खेल नहीं पाए, जबकि इन्होंने अच्छा खेला था। तो हमने 3 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता है और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। और मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि हिमाचल से फर्स्ट टाइम ITF में टीम गई है, ये हमारी नेशनल टीम खड़ी है इधर। और मैं भी खुद भी एक ताइक्वांडो की प्लेयर हूँ, आई एम ब्लैक बेल्ट और मैं इंडिया को भी रिप्रेजेंट कराया एक बार। और मैं ज़्यादा इंडिया कैंप में खेल नहीं पाई थी क्योंकि मेरे को लिगामेंट इंजरी हो गई थी। नेम इज़ रिया एंड आई एम प्लेयर ऑफ ताइक्वांडो गेम। मैं ऋषिकेश गई थी नेशनल के टूर्नामेंट में, 18th नेशनल टूर्नामेंट, जहाँ से हिमाचल से पहली बार टीम गई थी हमारी, और वहाँ पे मेरा गोल्ड आया। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब मैंने पहली बार अरीना में अपना कदम रखा तो मेरे को बहुत डर लगा और मैंने 3 बाउट्स खेली, मेरा गोल्ड आया, मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा गोल्ड आया। और मेरी कोच मिस नोरी नारू, उनकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होती तो ये गेम भी नहीं होती। पहली बार हिमाचल से कोई टीम गई है, बहुत अच्छा लगा हमें। और ITF इंडियन ताइक्वांडो इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन, जहाँ से हम गई थी, हमारी सिलेक्शन हुई है चंडीगढ़ के लिए, हम वहाँ पर जाएंगे इंटरनेशनल खेलने। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा गोल्ड आया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं रिया की मम्मा हूँ और मैं रिया के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। उसने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है और उसके पापा की तरफ से भी वो किसी वजह से नहीं आ पाए, तो उनकी तरफ से भी वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी बेटी के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही जीती रहे और गोल्ड लाती रही।